श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री वल्लभा की जय चौरासी वैष्णवन की वार्ता जय श्री कृष्ण चालीसवें वैष्णव जगतानंद सारस्वत ब्राह्मण वार्ता प्रसंग एक अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक जगतानंद सारस्वत ब्राह्मण थानेश्वर में रहते तीन की वार्ता को भाव कहत हैं भाव प्रकाश ये जगतानंद भामा सखी श्री स्वामिनी जी की की सखी हैं लीला में इनको नाम माधुरी है सो ये थानेश्वर में एक ब्राह्मण के घर जन्मे सो वर्ष बारह के भये तब काशी में जाए विद्या पढ़े वर्ष बारह काशी रही विद्या श्री भागवत पढ़ी पाछे थानेश्वर में आई सरस्वती नदी के ऊपर श्री भागवत की कथा कहते तामे इनकी जीविका निर्वाह लायक चली जाती वार्ता प्रसंग एक सो एक समय थानेश्वर श्री आचार्य जी पधारे सो प्रातःकाल की संध्या किए इतने में जगतानंद आई सरस्वती में न्यायी श्री भागवत की कथा कहन लागे तब श्री आचार्य जी मन में विचारे यह जगतानंद देवी जीव हमारो है या को अंगीकार करनो, यह विचार करी जगतानंद के सन्मुख जाई भी राजे तब जगतानंद ने जानियो जो कोई पंडित ब्राह्मण हैं तब जगतानंद ने एक श्लोक श्री भागवत को यह कहो वेणु गीत को प्रायो बताम्ब विहेगा यह श्लोक कहीं पाछे या को अर्थ करी श्री आचार्य जी से पूछे जो याही भाती भांति अर्थ है के कछु और है तब श्री आचार्य जी कहे यह श्लोक में अनेक भाव है बहुत अर्थ हैं और आवत होए तो कहो तब जगतानंद ने कह महाराज श्लोकार्थ मौका आवत तो सो में कहो अब आपू और कहो तब श्री आचार्य जी कहे व्यास आसन तुम बैठे हो सो व्यास आसन को अतिक्रमण हम कैसे करें तब जगतानंद आसन सो उतर के कहियो आपू विराजी के कहो मोको सुनी की इच्छा है तब श्री आचार्य जी सुबोधनी जी को अर्थ उही श्लोक को करण लागे सो कहत कहत सवारे में तीसरो प्रहर भयो तब से आचार्य जी कहे यह श्लोक की व्याख्या दो ही तीन महीना ताही चलेगी ताते अब तुम भूखे हो ताते उठो तब जगतानंद ने जानियो जो ये साक्षात ईश्वर हैं तब जगतानंद दंडवत करी विनती करी कहियो महाराज उस साक्षात पुरुषोत्तम हो चाहो इतने दिन अर्थ करो अब कृपा करी मेरे घर पधारो तब श्री आचार्य जी कहे हम अपने सेवक बिना काहू के घर पधारत ना ही तब जगतानंद ने विनती करी महाराज हमको सेवक करो तब श्री आचार्य जी आज्ञा करे जो जाऊँ न्याई आऊँ तब जगतानंद सरस्वती में न्यायी अपरस में आयो तब श्री आचार्य जी ने नाम सुनाए ब्रह्म संबंध करायो पाछे जगतानंद के घर पर आ रहे तब जगतानंद सो कहे तुम भगवत सेवा करो तब जगतानंद ने कही महाराज मेरे एक ठाकुर लालजी हैं सो सदा तुलसी में बैठे रहत हैं तीन पर एक लोटी पानी नित्य चढ़ावत हों तब श्री आचार्य जी कहे ऐसे न करिए बेगे श्री ठाकुर जी को लाओ तब जगतानंद श्री ठाकुर जी को ले आयो तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई पाठ बैठाए जगतानंद के माथे पधराए आपू जगतानंद के घर पाक सामग्री करी श्री ठाकुर जी को भोग धरे पाछे आप भोजन करी जगतानंद को जूठन की पात्री धरी पाछे रात्र को श्री आचार्य जी यह श्लोक कहे पठनियम प्रयत्न सर्वहेतु विवर्जितम प्रत्यर्थ नेव युंजंती प्राणेह कंठ गतेरअपी सो जगतानंद ने सुनत ही जलते संकल्प कियो जो आजू पाछे प्रत्यर्थ श्री भागवत न कहूँगो और शास्त्र कहूँगो तब श्री आचार्य जी कहे श्री भागवत को कही जीविका कबू न करनो प्राण जाई तो सुखेन जाई या प्रकार जगतानंद के घर रही पुष्टि मारक की रीति सेवा की सिखाई आप पृथ्वी परिक्रमा को पधारे तब जगतानंद मन लगाई के भगवत सेवा करन लागे और पुराण की कथा आदि महाभारत कहते तासो जीविका करते सो भगवत सेवा करत कछुक दिन में श्री ठाकुर जी सहानुभाव जतावन लागे सो जगतानंद बड़े भगवदीय हैं इनके वार्ता कहाँ ही कहिए वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी गलतुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला तापर वल्लभि मुद्रा सोहे मुखबोले गोपाला मन धन वैष्णव पर वारू गांव शि गिरधर लाला आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास लाला वल्लभि वैष्णव सदा सुहागी जय श्री कृष्ण